जी साहब बताइए, ये कह रहे हैं हरे रंग को कोई गलत ना समझे, हरे रंग का मतलब पाकिस्तान से, यहां आतंकवाद का कलर निकाला जा रहा है, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, और कह रहे हैं हरा का मतलब मत निकालिए, हमने पाकिस्तान का। अरे प्रतीश भाई मेरी बात, हाँ बोलिए ना। अच्छा प्रतीश भाई मेरी बात सुनिए, मैं क्या क्या बोल, अरे सर सुनिए, अरे मैडम सुनिए, सुनिए का नाम लिया, अरे मैडम सुनिए तो के जरा मेरी बात भी सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं आपकी बात सुन ली गई, आपकी बात सुन ली गई। हाजी रंगरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाजी रंगरेज, हाजी रंगरेज, हाजी रंगरेज। देखिए प्रत्युष भाई, जब कोई लिंचिंग कर रहा होता है, दंगा कर रहा होता है, वो भगवा रंग का जो है चोला ओढ़कर इस तरीके से माहौल खराब करता है, तो उसको अगर भगवा लव ट्रैप के तहत जो हमारी लड़कियों को बहला फुसला कर उनको हिंदू धर्म में घर वापसी के नाम पर जो चल रहा है, और वो लोग भगवा पहनकर और आतंकी और जो जिहादी है वो हमारे देश की जो सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान को लीक करते हुए पकड़े जाते हैं, और एक आरएसएस के एक व्यक्ति पकड़े गए महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की जो उन्होंने जो घटनाएं बताई, उन्होंने बताई हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हाजी और बीजेपी प्रेरित होकर के यही लोग दंगा करते हैं। अरे सर सुनिए, आप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें, आप जैसे जाहिल लोगों के साथ में तो बात। एक सेकंड, हाजी रंगरेज जी, हाजी रंगरेज जी, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज, शब्दों की मर्यादा रखें। ये बदनाम करते हैं भगवा को, ये बदनाम करते हैं हरे 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 झंडे को, ये लोग हरे हरे से नफरत करते हैं, जबकि हमारा हरा कलर हमारे देश के झंडे में, हरा कलर हमारे देश के झंडे में। आप लोग हैं, आप नपुंसक हैं, आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो एक प्लीज प्लीज देखिए हाजी रंगरेज जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, प्लीज कृपया करके शब्दों की मर्यादा रखें। मैं कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना चाहता हूँ, स्पेसिफिक चीज, वरना ये डिबेट जो है वो खो जाएगी कहीं, तो उसका अर्थ निकल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रतीश जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा। ये ठीक है, बोले आप, बोले आप, बोले आप, बोले राय कैसे समझ में नहीं आएगी बात। एक सेकंड शिवराज नायर जी, श्री राजनाथ जी एक सेकंड, अभी देखिए, एक सेकंड श्री राजनाथ जी, आनंद दुबे जी ने, हाँ। अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, वो आतंकवादी भेजती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आनंद जी, अभी आपकी एक सरकार बनी इंडिया अलायंस की जम्मू कश्मीर में, एनसी ने कहा हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम विजय वडत्तीवार ने किया, जब उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे की हत्या, शहीद हेमंत करकरे की हत्या ये हमारे आरएसएस के पुलिस वालों ने की है, ये स्टेटमेंट था ना कि कसाब ने। और अब तीसरा बयान जो ये आया है अफजल गुरु के लिए, ये एकलौता बयान नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने भी चुनाव से पहले बोला था अफजल गुरु को लटकाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं उद्धव सेना का फिर से स्टैंड जानना चाहता हूं कि एनसी के साथ रिश्ता कब तोड़ोगे, कांग्रेस के साथ जो पाकिस्तान की पैरवी करती है उसके साथ रिश्ता कब तोड़ोगे। आनंद जी इधर उधर नहीं जाना है, सीधा इस पॉइंट पर, नक्सली को शहीद भी बोला है कांग्रेस पार्टी ने। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने उदाहरण दिया, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान में ही है, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं वहां, नहीं क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, नहीं विदेश मंत्री पाकिस्तान में है, कहाँ है अभी विदेश मंत्री पाकिस्तान में है, नहीं कहाँ है, पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या बोले जा रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है, कुछ भी बोले जाते हैं क्या, कुछ भी बोले जाते हैं क्या, अरे भाई जयशंकर जी की, अरे आप जयशंकर जी की, अच्छा तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना सही है और एससीओ समिट में जाना गलत है। एससीओ समिट पाकिस्तान के बाप का है क्या, एससीओ समिट पाकिस्तान के बाप का है क्या, नहीं एससीओ का बाप आपने पाकिस्तान को बनाया है क्या, ये उद्धव सेना एससीओ का बाप अब पाकिस्तान को मानती है, ये इनकी दुर्दशा है कि अफजल गुरु को आतंकी नहीं पर एससीओ का बाप पाकिस्तान मानती है, ये आपकी दुर्दशा है आनंद जी। एससीओ का बाप है क्या पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान, नहीं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान का क्या रिलेशन है इससे, हमने 10 बार बताइए उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना, अरे क्रिकेट कौन खेल रहा है, उनकी फिल्म कौन क्रिकेट खेल रहा है, कौन सी दुनिया में कौन खेल रहा है क्रिकेट, आप लोग बीसीसीआई आपके हाथ में, बीसीसीआई हमारे, अरे बीसीसीआई, अरे भाई बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, हिंदू भाई बहनों, बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, आप ही लोग कह रहे हो, चीख चीख के चिल्ला रहे हो आनंद जी, जवाब नहीं आपके पास, जवाब मेरे पास है, क्या जवाब है बोलो, तो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रहनुमा कहना बंद करो, सनातन समाप्ति ठीक है, श्री हिंदू हो, सनातन समाप्ति, सनातनी हो, ये सबने देख लिया है। मैं पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से, अभी तक उस जवाब, सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, मैं आ रहा हूं श्रीराज जी, फिर से आऊंगा आपके पास पंकज जी, पंकज जी अभी तक जवाब नहीं मिल पाया कि सुशील शिंदे जी ने ये बयान ठीक चुनाव के वक्त क्यों दिया और किसने दिलवाया। इसी डिबेट के अंदर दो बातें हुई,
सुशीलबेन शाह जी, आपने कहा कि दिलवाया गया, यानी कांग्रेस की तरफ से। हाजी रंगरेज जी ने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी ने दिलवाया जानबूझ करके इस मुद्दे को बड़ा करने के लिए, और भगवा आतंकवाद पर महाराष्ट्र चुनाव इर्द गिर्द इसी शब्द के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि मैंने जिक्र किया आरके सिंह जी का, उस वक्त वो गृह सचिव हुआ करते थे, उनका बयान भी लगभग वही था जो सुशील शिंदे जी ने उस वक्त गृह मंत्री रहते हुए दिया था, अलग बयान नहीं था। देखिए, और उन्होंने कहा था 10 नाम है जिनके संघ के साथ रिश्ते रहे हैं। देखिए, एक तो हमारी सरकार में मंत्री जो होता है, मंत्री के डायरेक्शन को सारे सेक्रेटरी फॉलो करते हैं। उन्होंने फैक्चुअली बताया कि मंत्री ने यह सूचना दी है, उसके बाद कोर्ट में मामला जाने के बाद एक भी केस नहीं प्रस्तावित हुआ। फिर भी आज आप पूछिए, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन है कि हिंदू टेरर एग्जिस्ट। आज भी चिदंबरम जी ये कहते हैं और उद्धव सेना उनके साथ बैठी है। क्या प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है? प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है? इस हिसाब से अगर उसको क्लीन चिट नहीं मिली है तो दोषी बोलकर उसको आतंकवादी को दोषी नहीं कह रहा, लेकिन क्लीन चिट पर फिर उसी हिसाब से राहुल गांधी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है तो उसको भी भ्रष्टाचारी बोले? भ्रष्टाचार के मामले में अक्यूज वन है ना राहुल गांधी, उसको क्लीन चिट मिली है क्या? तो फिर उसको भ्रष्टाचारी बोले? उसको भ्रष्टाचारी बोले ना? अभी राहुल गांधी को इसी 2019 लोकसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था कि हमने मन से माफ नहीं करूंगा। नहीं, वो तो हम भी बहुत क्लियर लाइन है हमारी कि जो पार्टी की लाइन है, और महात्मा गांधी का सभी लोग सम्मान करते हैं, पर जिन लोगों ने ये कहा कि हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी में है, उसको कब निकाला इन्होंने? अभी भी बाबूलाल चौरसिया की पार्टी में। दूसरी बात, आज सवाल सिर्फ इतना है, आज उद्धव सेना मुझे केवल एक बात बताए कि दूसरी पार्टी को आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ये करके दिखाए, आप ही एक नजीर पेश कर देते। हमने तो नहीं मिला ना टिकट, नहीं मिला टिकट, पार्टी से बाहर किया क्या? नहीं, नहीं, एक सेकंड, पार्टी से बाहर किया क्या? टिकट देना नहीं देना वाला बात है, पार्टी से बाहर किया क्या? एक सेकंड, उनके बयान को लेकर, उनका जो बयान था, उन्होंने एक बयान दिया, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड, उनका बयान था गोडसे के विषय में, हमने अपना कैटेगोरिकल स्टैंड दिया, उस पे उनको डिसिप्लिनरी कमिटी भी हुई, उनका टिकट उसी की वजह से कटा। अब जो गोडसे का मंदिर बनाने वाला है, जो कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में पार्टी में टिकट लेता है, उसके ऊपर कोई प्राथमिक कार्रवाई हुई? पर सवाल वो नहीं है, सवाल सिर्फ आज इतना है कि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे ने अफजल गुरु को आतंकी माना था, कांग्रेस ऑफिशियली बोलती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा उसको टिकट दिया कांग्रेस ने। अब आनंद दुबे जी बताया कि क्या कांग्रेस बाळासाहेब ठाकरे, क्या उद्धव सेना बाळासाहेब ठाकरे के साथ या कांग्रेस के साथ? कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ने निकला हूं, मैं भारत को एक मोहब्बत की दुकान बनाना चाहता हूं, क्योंकि भारत को नफरत का बाजार कुछ पार्टियां बनाना चाहती है। उसके बाद भी अगर बीजेपी नहीं समझ रही है, बीजेपी नहीं सुधर रही है, तो हम करें तो क्या करें? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देखो भैया, मैं इस भारत को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला उसने, क्या बोले आप, क्या बोले जा रहे हो? आनंद दुबे जी, अभी आप जो भारत जोड़ने और नफरत की दुकान और प्यार की दुकान बता रहे हैं ना, आप ही की शिवसेना की लाइन है, आप ही की शिवसेना की लाइन है कि आतंकवाद को धर्म का रंग देने वाले देश के दुश्मन है। ये वाक्य किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? कांग्रेस के लिए, प्रत्युष जी, और आज आप उन्हीं के साथ हैं गठबंधन में। प्रत्युष जी, मैंने आपसे पहले अपने शुरुआती दौर में कहा कि हम कांग्रेस के साथ पिछले कई वर्षों से लड़ते आए हैं, लेकिन अगर समय आया तो उनका साथ भी दिया है। प्रतिभा दाई पाटिल को राष्ट्रपति बनने के लिए समर्थन, प्रणव दादा मुखर्जी जी को राष्ट्रपति बनने के लिए समर्थन, 1980 के दशक में उनको समर्थन।